हेलो गाइस, दिस इज सोनू ब्लाह एंड हियर वी हैव पल्सर 220। आज मैं इसकी सारी इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल दूंगा, सो लेट। सो अभी मैंने गाड़ी ऑन की है, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबकी डिटेल। ये हो गई है न्यूट्रल की लाइट, ये हो गया है ब्लिंकर एंड ये है पास, ये पास है, ये लो बैटरी इंडिकेट करता है, ये लो बैटरी इंडिकेट करता है एंड ये जो लाइट है ये बत्ती लो इंजन ऑयल लेवल शो करती है, जो कि अभी मैं नीचे दिखाऊंगा जिसका सेंसर नीचे दिया हुआ। इंजन ऑयल की सेंसर की तार है, ये इंडिकेट करती है, जो मीटर में शो कर रही है इसी का सेंसर यहाँ लगा हुआ है और ये बीच वाला एयर फिल्टर का है, जो एयर फिल्टर चोक होता है। जब भी आपकी एयर फिल्टर की लाइट ब्लिंक करे तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसका कवर खोलो और इसके अंदर एयर फिल्टर है उसको आप साफ़ कर सकते हो या तो आप नया डाल सकते हो। उसकी शो करती है और ये वाली हाई इंजन टेम्परेचर की है, जब गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सेंसर है, जब गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाती है हाई इंजन टेम्परेचर उसी का ये सेंसर है। ये है ट्रिप मीटर, दो ट्रिप मीटर है पल्सर 220 में एंड ये है टोटल गाड़ी कितनी चली है वो है एंड ये टेकोमीटर आरपीएम मीटर है, ये इंजन का आरपीएम शो करता है, जैसे कि ये देखो इसमें 12000 आरपीएम तक दिया हुआ है एंड ये है आरपीएम लिमिट, जब आरपीएम 10000 के ऊपर चल जाता है तो ये ब्लिंक करता है, इसका मतलब है कि गियर चेंज कर लो एंड ये साइड स्टैंड शो करता है, ये साइड स्टैंड का है एंड ये पेट्रोल लेवल दिखाता है एंड यहाँ पे एक छोटी सी बत्ती ब्लिंक करते रहती है, वो लो पेट्रोल का दिखाती है, जब रिजर्व में लगी रहेगी गाड़ी उसके ही शो करता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो, ताकि मैं वैसे अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ बनाऊँ।